हेलो एवरीवन, आई एम मीनेंद्र सुरवे लर्न विथ मीनेंद्र में आप सभी का स्वागत है और आज हम देखने वाले एस सी सी ई एस सी और गेट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका नॉलेज बूस्ट करेगा आपको इनक्रेज करेगा फॉर एस सी अपकमिंग एग्जामिनेशन एज़ वेल एज़ प्रिलिम ऑफ ई एस सी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन तो चलो देखते और आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर मीरेंद्र सुरे आई एम आई हैव कम्पलीटेड माई एम टेक इन मैकेनिकल कैड कैम एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग माई पी एच डी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है तो so, चलो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है सो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम वन एंड कॉलम टू तो फर्स्ट कॉलम में हाइयर कैनमेटिक पेयर लोअर कैनमेटिक पेयर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और मोबिलिटी ऑफ लिंकेजेस तो इसमें आपको पहले सोचना है कि आप आंसर कैसे निकालोगे इसका तो देखो इसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के लिए क्या आता है अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन शेपर तो आर का फाइव रहेगा तो आर का फाइव ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है और आर का फाइव ऑप्शन uh, सी में भी दिखाई दे रहा है तो ए और बी तो इलिमिनेट हो गया उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हायर कैनमेटिक पेयर के लिए क्या दिया है इन्होंने हाइयर कैनमेटिक पेयर के लिए आ, ये बोल रहे सरफेस कॉन्टैक्ट होता है ये तो पूरा गलत है सी ऑप्शन में देखो पी के लिए सिक्स लिखा हुआ है सरफेस कॉन्टैक्ट नहीं रहता हायर कैनमेटिक पेयर्स में आपका पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट रहता है तो उसको आंसर सेकेंड आएगा तो दो ही ऑप्शन सिलेक्ट करके हम डी को करेक्ट करके आगे भी जा सकते हैं ऐसे सॉल्व करना है ऐसे जाके एलिमिनेट करना है लोअर कैनामेटिक पेयर्स का अगर मैं बात करूँ क्यू का लोअर कैनामेटिक पेयर का तो उसमें क्या होता है लोअर कैनामेटिक में सरफेस कॉन्टैक्ट आएगा तो क्यू को सिक्स आएगा क्विक रिटर्न को शेफर आएगा मोबिलिटी ऑफ लिंकेजेस के लिए क्या आता है मोबिलिटी ऑफ लिंकेजेस इज बेस्ड ऑन ग्रुप क्राइटेरिया और ग्रुप ग्रुप इक्वेशन तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं मैच द फॉलोइंग Now, उस ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए गेट 2010 में पूछा जा चुका है विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आपको सोचना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें तो रीड करो पहला ऑप्शन क्या है ग्रेश ऑफ रूल स्टेटस दैट फॉर प्लेनार क्रैंक रॉकर फोर बार मैकेनिज्म द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेंस कैन नॉट बी लेस दैन समिंग टू लिंक लेंस तो ये बोल रहा है कि कैन नॉट बी लेस देन तो आपका सम ऑफ शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक तो इसमें क्या होता है एस प्लस क्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू पी प्लस अगर हमने ये ले लिया पी क्यू आर एस ले लिया तो पी क्यू आर एस में क्या होता है पी क्यू आर एस अगर हमने ले लिया तो सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक अगर पी मेरा लॉन्ग है और एस uh, मेरा शॉर्टेस्ट है तो सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक शुड बी लेसर देन रिमेनिंग टू लेंथ ऑफ लिंक तो मेरा लेस देन होना चाहिए यहाँ पे बोल रहा है कि लिंक लेंथ कैन नॉट बी लेस देन तो ये बात सारा सर गलत हो रहा है तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू द ग्रेस ऑफ रूल फॉर कंप्लीट रिलेटिव रोटेशन लिंक्स लॉन्गेस्ट लिंक प्लस शॉर्टेस्ट लिंक अगर मेरा लॉन्गेस्ट लिंक और शॉर्टेस्ट लिंक का सम है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ अदर टू लिंक्स होता है यही क्रैश ऑफ ने बोला था तो यहाँ पे वो बोल रहे कि कैन नॉट बी लेस देन द सम ऑफ रिमेनिंग टू लेंथ्स ऑफ द लिंक्स तो ये तो बात गलत है तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ तो ए ऑप्शन ए इसमें बी ऑप्शन देखो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स वन एट अ टाइम तो इन्वर्जन ऐसे ही ऑप्शन होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लिंक एट अ टाइम पे फिक्स करते जाते हो वहाँ से आपको इन्वर्जन मिलता है जीनेवा uh, मेकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं इंटरमिनेंट मोशन डिवाइस जीनीवा इज अ इंटरमिनेंट मोशन डिवाइस मैकेनिज्म होता है बराबर है रुबलर्स क्राइटेरिया अज्यूम्स मोबिलिटी ऑफ प्लेनर आर मैकेनिज्म टू बी वन यस ये भी ये भी करेक्ट है तो इसके लिए ऑप्शन ए विच इज इन करेक्ट तो नेक्स्ट देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये द नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज इन्वर्जन कितने होते हैं स्लाइंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में नंबर ऑफ स्लाइडर नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं नंबर ऑफ लिंक्स तो आपको पता है कि चार होते हैं सो देर आर फोर इन्वर्जन्स ऑफ अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जितने आपके नंबर ऑफ लिंक्स रहेंगे ने उसके इन्वर्जन रहे इन्वर्जन किसे बोला जाता है कि हर एक लिंक को हम एट अ टाइम पे फिक्स करके जा चले जाते हैं जैसे कि चार लिंक है तो मैंने पहला लिंक फिक्स किया तो इन्वर्जन नंबर वन सेकंड लिंक है सेकंड लिंक को मैंने फिक्स किया तो इन्वर्जन नंबर टू थर्ड लिंक है थर्ड लिंक को मैंने फिक्स किया तो इन्वर्जन नंबर थ्री और लास्ट में फोर्थ लिंक को मैंने अगर फिक्स किया तो इन्वर्जन नंबर फोर तो जितने आपके नंबर ऑफ लिंक्स रहते हैं उतने ही आपके इन्वर्जन्स रहेंगे तो नंबर ऑफ इन्वर्जन फॉर अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म स्लाइडर क्रैंक में चार लिंक रहते तो चार ऑप्शन आ जाएगा तो गेट 2006 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तो एस एस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैकेनिज्म यूज इन अ शेपिंग मशीन इज शेपिंग मशीन में कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है तो शेपिंग मशीन हमने देखा कि पहला ही क्वेश्चन था शेपिंग मशीन बेस ऑन पिक रिटर्न मैकेनिज्म है Uh, तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कौन सा है ये इन्वर्जन होता है सिंगल स्लाइडर का हमेशा याद रखो कि शेपिंग मशीन इज द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन तो क्लोज फोर बार चेन हैविंग फोर रिवोलिट पेयर्स नहीं क्लोज सिक्स बार चेन हैविंग सिक्स रिवोलिट पेयर्स ये भी नहीं क्लोज फोर बार चेन हैविंग टू रिवोलिट एंड टू स्लाइडिंग पेयर्स नहीं शेपिंग मशीन इज द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ये आएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट नउ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल पर जाकर स्पेशली थियोरी ऑफ मशीन के लेक्चर में जाके यही यही प्रॉब्लम मैंने लिया है वहाँ पे जाके आप इसको वॉच करो और इस तरीके के कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है गेट में या फिर किसी भी एग्जाम में और ये आता है एक्विक रिटर्न रेशियो पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके लिए आप प्रिपेयर रखो वहाँ पर मैंने बहुत डेरेवेटिव के साथ इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो बताया तो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे सिंपल क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज शोन इन द फिगर द फॉरवर्ड टू रिटर्न रेशो टू क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज टू एस टू वन तो ये बोल रहे हैं कि इसका क्विक रिटर्न रेशो टू एस टू वन है उसके बाद इफ़ द रेडियस ऑफ द क्रैंक ओ वन पी इफ़ द रेडियस ऑफ द क्रैंक ओ वन पी ये क्रैंक रेडियस है ओ वन पी इज वन ट्वेंटी फाइव एम एम द डिस्टेंस डी इन एम एम तो ये डिस्टेंस डी पूछ रहा है बिटवीन द क्रैंक सेंटर टू लिवर पॉइंट सेंटर पॉइंट शुड बी तो हमेशा ये, ये रखो ये तो 125 ट्वेंटी फाइव और रेशो दिया है टू एस टू वन अगर टू एस टू वन रेशियो रहता है तो क्रैंक जितना रहता है क्रैंक रेडियस जितनी रहती है उसका टू टाइम्स आपका जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स रहेगा जहाँ से प्योड किया है तो ये 125 ट्वेंटी फाइव है तो ये टू टाइम्स रहेगा टू फिफ्टी ही आंसर आएगा और ये शॉर्टकट स्ट्रिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अगर आपको इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप आ, मेरे चैनल पे जाकर इसका सॉल्यूशन वॉच करो वहाँ पे थियोरी ऑफ मशीन्स में मिनेंद्र सुरवे थियोरी ऑफ मशीन्स जस्ट टाइप मीनेंद्र सुरे थियरी ऑफ मशीन वहाँ पे आप ये वॉच करो बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है वहाँ पे मैंने अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स फिर से आया मैच द फॉलोइंग ये से मैं बहुत बार ऐसे uh, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे सी जेई में भी पूछे जाते हैं तो अगर मैं मेरा टाइम बचाना है तो मैं इसको क्या कैसे देखूंगा जिनेवा मेकेनिज्म मुझे पता है इंटरमिनेंट मोशन है मोशन है तो क्यू के लिए मैं वन देखूंगा क्यू के लिए वन क्यू के लिए वन एक ही ऑप्शन में है वो भी सी देखो सी ऑप्शन है तो मैंने बाकी देखे बिना भी यहाँ से सी मार्क करके आगे चला जाऊंगा बिकॉज मुझे पता है जिनेवा मैकेनिज्म इज़ इंटरमीडेंट मोशन डिवाइस है अभी हमने देखा था और अगर मैं यहाँ पे दूसरा भी देखा देखे जाए तो स्कॉच ऑक मेकेनिज्म किस लिए होता है आपको स्कॉच ऑफ मैकेनिज्म याद रखो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज इन्वर्जन ऑफ क्विक रिटर्न मोशन शेपर मैकेनिज्म होता है क्विक रिटर्न क्विक रिटर्न मोशन शेपर मशीन में होता है और शेपर मशीन दैट इज नथिंग बट यू आर इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक ओके तो ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म तो यहाँ पे क्विक रिटर्न मोशन आएगा इसका आर uh, के लिए ये टू और क्या बचा इसमें स्क्वाट रेसेल मैकेनिज्म अगर स्क्वाट रेसेल की बात करूँ तो ये डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन मोशन डिवाइस है स्ट्रेट लाइन मोशन हम स्कॉट रसल से अचीव है करते हैं तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स इसके बाद देखो इसके बाद का क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द लिंक्स ऑफ फोर बार लिंकेज विथ रिवोल्यूट पेयर ओनली आर पी क्यू आर एस यूनिट्स गिवन दैट पी इज लेस लेस आर इज लेस देन एस तो सबसे एस बड़ा है सबसे छोटा कौन है इसमें छोटा लिंक कौन सा है पी है विच ऑफ द लिंक शुड बी फिक्स वन फॉर ऑप्टेनिंग डबल क्रैंक मैकेनिज्म तो ये क्वेश्चन याद कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका क्रैंक क्रैंक अगर आपको चाहिए तो जो भी सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है वो फिक्स रहेगा तो शॉर्टेस्ट लिंक जो भी है वो फिक्स रहेगा क्रैंक रॉकर चाहिए तो एडजस्टन टू अ शॉर्टेस्ट लिंक एडजस्टन टू अ शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स रहेगा अगर आपको डबल रॉकर चाहिए रॉकर रॉकर चाहिए तो अपोजिट टू अ शॉर्टेस्ट लिंक अपोजिट टू अ शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स रहेगा तो इसमें क्या पूछा है आपको क्रैंक क्रैंक पूछा है मतलब डबल क्रैंक मैकेनिज्म तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म नथिंग बट शॉर्टेस्ट लिंक इज गोइंग टू फिक्स तो इसमें शॉर्टेस्ट लिंक कौन सा है शॉर्टेस्ट लिंक आपका यहाँ पे देखो एस सबसे सबसे एस बड़ा है उसके बाद आर उसके बाद क्यू आर उसके बाद पी तो सबसे शॉर्टेस्ट लिंक कौन सा है आपका विच ऑफ द लिंक शुड बी अ फिक्स वन फॉर ऑप्टेनिंग डबल क्रैंक मैकेनिज्म सो डबल क्रैंक डबल क्रैंक मैकेनिज्म आपका शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स होना चाहिए तो शॉर्टेस्ट लिंक कौन सा है लिंक ऑफ लेंथ पी तो ए ऑप्शन आएगा आ, या फिर डी आंसर दिया है उन्होंने लिंक ऑफ लेंथ यस ये गलत है ये इसका आंसर आएगा आपका ए इसका आंसर आएगा ए बिकॉज यहाँ पे देखो कि क्या पूछा है इन्होंने डबल क्रैंक मैकेनिज्म डबल क्रैंक आपको तभी मिलेगा जब आपका शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स रहेगा तो इसमें शॉर्टेस्ट लिंक पी है डेफिनेटली लिंक ऑफ अ लेंथ पी यही आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देर आर टू पॉइंट्स पी देर आर टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन अ प्लेन आर रिजिड बॉडी द रिलेटिव वेलासिटी बिटवीन टू पॉइंट्स तो रिलेटिव वेलासिटी कैसे निकाला जाता है रिलेटिव वेलॉसिटी अगर निकालना है तो हमेशा रिलेटिव वेलासिटी मुझे इस लिंक का चाहिए ए और बी अगर ये मेरा लिंक ए बी है और इसको रिलेटिव मुझे क्या चाहिए रिलेटिव वेलॉसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स तो क्या करूँगा यहाँ पे पी क्यू दिया है तो हमेशा इस आ, ल, इसको परपेंडिकुलर लेके ही हम उसका वेलोसिटी निकालेंगे इस लिंक का वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा शुल अलवेज बी अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू तो सी ऑप्शन इज द राइट फॉर दैट शुल अलवेज बी अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आई थिंक इज सेकेंड लास्ट स्लाइडिंग पेयर रिवोल प्यर रोलिकल पेयर स्पेरिकल पेयर तो इसमें अगर मैं टाइम बचाना है मुझे तो स्पेरिकल पेयर का मुझे पता है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ऑफ स्पेरिकल पेयर क्या बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो डी के लिए तीन आएगा मुझे पता है डी के लिए तीन आएगा तो मैं देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है तो देखो डी के लिए तीन तो बी uh, तो मैच नहीं होगा और डी uh, के लिए तीन और तो, सी uh, तो मैच नहीं होगा तो बचे क्या बचा मेरा ए और डी उसके बाद रोलिंग पेयर रोलिंग पेयर कौन सा है रोलिंग पेयर देखो कौन सा है और स्लाइडिंग पेयर का अगर मैं बात करूँ रोड रोलर आ, रोलिंग ओवर द ग्राउंड तो रोलिंग पेयर वही होगा तो सी के लिए वन आएगा सी के लिए वन आएगा सी के लिए वन आएगा तो ए बी कट गया तो बचा क्या डी डी इज द राइट आंसर अभी देखो स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल चाहिए सो स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल मुझे पता है पिस्टन एंड सिलेंडर उसमें स्लाइडिंग पेयर होता है लोअर पेयर जैसे कि लोअर पेयर पिस्टन सिलेंडर में क्या होगा सरफेस कॉन्टैक्ट आएगा एरिया कॉन्टैक्ट आएगा तो वो स्लाइडिंग पेयर बना रिवोलूट पेयर रिवोलूट पेयर का बात करूँ तो क्रैंक शाफ्ट इन जर्नल बेरिंग इन एन इंच तो रिवोल्यूट पेयर बना रोलिंग पेयर का तो रोड रोलर और रोलिंग ओवर द ग्राउंड स्पेरिकल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल किया है स्पेरिकल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है आ, अगर कोई लिस्ट पेयर दिया है लिस्ट वन और लिस्ट टू उनमें मैच करना है तो ऐसे सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर टेन तो देखो राउंड बार ए पासिस थ्रू द सिलेंडर होल इन बी एशन इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड तो इन दिस रिगार्ड में कौन सा करेक्ट बोला है आपको इसके पहले इस क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए कम्प्लीटली कंस्टेंट इनकम्प्लीटली कंस्टेंट और सक्सेसफुली कंस्टेंट तो कंप्लीटली कंस्टेंट किसे बोला जाता है ओनली वन मोशन उसमें अचीव होना चाहिए इनकम्प्लीटली कंस्टेंट किसे बोला जाता है उसमें मोर देन वन मोशन होते हैं तो इनकम्प्लीटली कंस्टेंट में आपको दो तीन चार मोर देन वन मोशन उधर मिलेगा स्लाइडिंग मिलेगा रोटरी मिलेगा और सक्सेसफुली कंस्टर्न में क्या होता है कि सक्सेसफुली कंस्टर्न में आपको आ, क्या करना है कि उसमें आ, एक ही मोशन मिलना चाहिए और अगर दो तीन मिल रहे तो उसे हम कंस्टर्न करके उसमें एक ही मोशन अचीव करेंगे तो टू लिंक्स शोन इन द फॉर्म ऑफ काइनेमेटिक पेयर और काइनेमेटिक पेयर कब होता है जब वो लिंक्स uh, uh, जब वो पेयर कंप्लीटली कंस्टेंट होता है uh, तब हम उसे बोलेंगे कि वो कैनामेटिक पेयर है मतलब उसे कंप्लीटली कंस्टेंट होना चाहिए तभी जाके वो कानामेटिक पेयर बनेगा अगर कंप्लीटली कंस्टेंट मतलब उसमें एक ही मोशन होना चाहिए तो ये जो फिगर दिया हुआ है उसमें देखो जो शाफ्ट ए बी है वो तो स्लाइड uh, करेगा वो तो स्लाइड करेगा स्लाइडिंग इस तरफ हो जाएगा ओके okay, और वो रोटेट भी करेगा इस तरफ से अगर हमने घुमाया उसे तो वो रोटेट भी करेगा तो इसमें कितने मोशंस पॉसिबल है तो इस केस में टू मोशंस पॉसिबल है मतलब इसे हम बोल सकते हैं कि ये कंप्लीटली कंस्टेंट नहीं है तो अगर ये कंप्लीटली कंस्टेंट नहीं है तो ये कानामेटिक um, पेयर भी नहीं बनेगा तो टू लिंक्स शोन इन द फॉर्म ऑफ कैनामेटिक पेयर तो ये कानामेटिक पेयर नहीं बनेगा तो इन्होंने क्या पूछा है स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें टू मोशन हो रहा है तो इनकम्पलीटली कंस्टेंट है तो इनकम्प्लीटली कंस्टेंट में मतलब वो कानेटिक पेयर नहीं बनेगा सेकंड देखो क्या बात कर रहा है द पेयर इज कम्प्लीटली कंस्टेंट अभी अभी बोला हमने कि कम्प्लीटली कंस्टेंट नहीं है कम्प्लीटली कंस्टेंट होता तो उसमें खाली एक मोशन होती लेकिन यहाँ पे दो मोशन मिल रहा है हमें तो ये कंप्लीटली कंस्टेंट नहीं है द पेयर हैज इनकम्प्लीटली कंस्टेंट तो यही सबसे बढ़िया ऑप्शन है सी ऑप्शन इज करेक्ट और डी ऑप्शन क्या दिया है द पेयर इज सक्सेसफुली कंस्टेंट ये तो सक्सेसफुली कंस्टेंट नहीं किया है किधर भी तो की स्लॉट नहीं दिखाई दे रहा है जैसे कि की स्लॉट डाल के यहाँ पे हम स्लाइडिंग स्लाइडिंग को रोक रोक सकते थे यहाँ पे की स्लॉट दे दे देकर वो ये जो स्लाइडिंग है स्लाइडिंग को हम ब्लॉक कर सकते थे और, और एक ही मोशन इसमें रोटरी मोशन रख सकते थे लेकिन ये की स्लॉट नहीं दिया है तो डी ऑप्शन नहीं आएगा द पेयर इज सक्सेसफुली कंस्टेंट सक्सेसफुली uh, कंस्टेंट भी नहीं बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट द पेयर हैज़ इनकम्प्लीट कंस्टेंट सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब और हम एस एस सी जे के ऐसी सीरीज आगे बड़ा देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा और ये जो भी क्वेश्चन मैंने लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी ऑफ मोशन के क्वेश्चन हैं तो इस तरीके की सीरीज हमारी चलती जाएगी रोज आपके लिए एक वीडियो आएगा सो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अस So thank you very much.